हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मात्र 30 दिनों में पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2022 में 95% मार्क कैसे लाएं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, ऐसे में हमारा बोर्ड एग्जाम नजदीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मात्र 30 दिनों में हम पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क अचीव कर सकें। देखिए स्टूडेंट, टॉपर्स किस प्रकार से पढ़ते हैं, उनकी 30 डे की स्ट्रेटजी किस प्रकार होती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल यह दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यानी कि अगर आप दिन रात आज पढ़ते हैं, जो आपके पास 30 दिन का समय बचा है उसको आप सही से यूज कर रहे हैं, तो यही पढ़ाई, यही दिन रात की पढ़ाई कल आपके बोर्ड एग्जाम में जब आपको 95% दिलाएगी, आपका पूरे जिले में सिर ऊंचा होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, तो यही पढ़ाई आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि मात्र 30 दिनों में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, 30 दिन जो है ये काफी अच्छा समय है, ठीक है। अगर आप 30 दिन में चाहते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, और 30 दिनों में कितने घंटे होंगे, तो 30 × 24, ठीक है, टोटल आपके पास 720 घंटे बचे हैं। यानी कि आपकी पढ़ाई के अब सिर्फ 720 घंटे बचे हैं, ऐसे में हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो 30 दिन में 720 घंटे होते हैं, तो अगर मान लीजिए आप 720 में से 180 घंटे हैं, ठीक है, डेली आप 6 घंटे सोते हैं, ठीक है, ये सोने का समय है यानी कि स्लीपिंग, ठीक है, तो 180 घंटे सोते हैं तो आपके पास कितना समय बचा, देखिए 540 घंटे। टोटल अब आपके पास 540 घंटे हैं, ऐसे में एक एक मिनट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना समय फालतू जगह पर बर्बाद ना करें, उसको पढ़ने में लगाएं, क्योंकि 540 घंटे बहुत ज्यादा घंटे नहीं है। ऐसे में आप लोग डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें, दिन रात अच्छे से मेहनत करें, और आपको स्लीपिंग यानी कि आपको सोना भी बहुत जरूरी है, आपको डेली कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लेना है, क्योंकि जब आप फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, अभी भी आपके पास समय है, 30 दिन कम समय नहीं होता, ऐसे में आप लोग अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक एक को हम चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला टिप जो मेरा है, तो सबसे पहले बचे हुए सिलेबस को पढ़िए, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपके पास कितने भी सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, अब इसमें जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ा है सबसे पहले उनको कवर कीजिए, क्योंकि जब आपका सिलेबस ही नहीं पूरा होगा तो आप बोर्ड एग्जाम में 90% या 95% मार्क अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने एक दो चैप्टर छोड़ दिया, उसको आपने नहीं पढ़ा और इससे क्वेश्चन आ गए, तो आप उसको कैसे कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला जो आपका काम है, आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए, जो भी सिलेबस अभी तक आपने नहीं पढ़ा, जो भी चैप्टर नहीं पढ़ा उसको आप पढ़िए, क्योंकि टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स एक सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को लगभग 2 से 3 बार पढ़ते हैं, ठीक है, 2 से 3 बार। यानी कि मान लीजिए आपकी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपने पूरे चैप्टर्स को पढ़ लिया, पूरा सिलेबस आपका खत्म हो गया, ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ा। टॉपर्स का क्या करना है, वो उसी सिलेबस को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बचे हुए सिलेबस को पढ़िए, हो सके तो आप उस सिलेबस को दोबारा पढ़िए, आप लोग नोट्स बनाए होंगे उसको दोबारा पढ़िए, 2 से 3 बार जब आप पढ़ लेंगे तो आपका सभी टॉपिक आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बचे हुए सिलेबस को पढ़ लेना है, एक भी चैप्टर आपका नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको बचे हुए सिलेबस को कवर करना है तो आपको एक और काम करना पड़ेगा। देखिए, सेट योर बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी, यानी कि आपको पढ़ने के लिए एक बेटर टाइम टेबल अब अप्लाई करना होगा, क्योंकि 30 दिन बचे हैं और आपका जो सब्जेक्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, आपको सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, कि मुझे डेली इतने घंटे पढ़ाई करना है, तभी आप लोग अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सेट योर बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी, एक छोटा सा टाइम टेबल बनाइए मात्र 30 दिनों के लिए, ठीक है, जितना घंटा आप पढ़ सकते हैं उतने घंटे का टाइम टेबल बनाइए और उसमें सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड कीजिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप लोग बाद में समय दे सकते हैं, लेकिन टाइम टेबल में सभी सब्जेक्ट का टाइम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो समय बचता है उसको आप लोग अपने वीक या फिर जिन सब्जेक्ट के चैप्टर्स को आपने नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सेट योर बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी, सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बना लेना है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, ठीक है, तभी आप लोग अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं।
देखिए अब आपको एक और काम करना होगा, क्योंकि 30 दिनों में अगर आपको तैयारी करनी है तो उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि वीवीआईपी होते हैं, ठीक है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी कि जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो भी चैप्टर ने उसके सभी क्वेश्चन को पढ़ें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। आपके जो क्वेश्चन बैंक्स आते हैं जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टरमाइंड, जो कुछ भी आपके पास है उससे आप लोग अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए छोटा सा, ठीक है। तो इतना समझ में आया, यानी कि आपको सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा कवर करना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके बाद में देखिए सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक शॉर्ट नोट बना लें। यहां पर शॉर्ट नोट का मतलब क्या है, देखिए शॉर्ट नोट का मतलब एक कॉपी ले लें, उसमें आप लोग जैसे हर एक सब्जेक्ट का, जैसे आपका मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी का कॉपी अलग लें, ठीक है। उसमें क्या करें, आप लोग हिंदी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं उसको उसमें लिखें, ठीक है, आंसर के साथ, क्योंकि वही आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं। फिजिक्स है, फिजिक्स के सभी टॉपिक लिखें जो इंपॉर्टेंट है। तो सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक शॉर्ट नोट बना लें, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट बना लें, ठीक है, यानी कि एक शॉर्ट नोट। शॉर्ट का नोट का मतलब छोटा नोट। एक नोट होता है कि पूरा चैप्टर आपने लिख डाला, ठीक है, एक नोट होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहे। मान लीजिए आपने जो कुछ भी आज पढ़ा उसको आपको कल सुबह उठकर उसको रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप आज आपने 10 क्वेश्चन पढ़ा तो जब आप उसे सुबह देखेंगे तो आपको सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है, रिवीजन इज मस्ट। तो सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक शॉर्ट नोट बनाना है, सभी सब्जेक्ट का रिवीजन आपको करते रहना है, जितने भी सब्जेक्ट में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हमेशा रिवाइज करते रहें, क्योंकि वो टॉपिक्स आपकी बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट बनाए रहेंगे तो जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके 2-3 दिन पहले आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है, या उस दिन आप पढ़ पाएंगे जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव कर सकते हैं। एक और टिप्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सोशल मीडिया को कम से कम यूज करें, क्योंकि आपके पास 30 दिन का समय है। अगर 30 दिन आपने सोशल मीडिया को ज्यादा नहीं यूज किया, जो फालतू की चीजें उनको नहीं देखा, तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव कर सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का जो है नंबर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप डेली 1 घंटा ये सब देखने में बिता देते हैं तो वही समय आपके परसेंटेज को गिरा देगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया को कम से कम यूज करना है, जो इंस्टाग्राम रील्स है, ठीक है, उसके बाद फेसबुक रील्स है, जो शॉर्ट वीडियोस हैं ये बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है, लेकिन बहुत कम देखना है, या फिर ना के बराबर देखें, क्योंकि अगर 30 दिन आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद आप कुछ भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 30 दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई मजाक नहीं है, तो आपको तैयारी जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा आप लोग मार्क अचीव कर पाएंगे। तो ये सब जो फालतू की चीजें हैं इनसे आप लोग कुछ दिन दूर रहें, ठीक है। जब आप लोग बोर्ड एग्जाम दे आते हैं तब आपका जब मार्क अच्छा आएगा तो आप लोग देखने में भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक आप एग्जाम नहीं देते और ये सब देखेंगे तो बाद में आप खुद सोचेंगे कि ये मैंने अपना वेस्ट कर दिया टाइम कुछ अलग चीजों में, ठीक है। तो आपको अपना टाइम सही जगह लगाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉडल पेपर्स को सॉल्व करते रहें। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स थे और जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको आप लोग रेगुलर सॉल्व करते रहें। आपके जो मार्केट में अनसॉल्व पेपर भी आ चुका होगा, ठीक है। अनसॉल्व पेपर में क्या होता है, ठीक है, इसमें होता क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पूरा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया रहता है, उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहें, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। अनसॉल्व पेपर या सैंपल पेपर ये सब आप लोग सॉल्व करते रहें, ठीक है। अब एक और टिप्स है आपके पास, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक्स जरूर सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का मतलब, मेरे कहने का मतलब है जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टरमाइंड, जो कुछ भी आपके पास है उसको आप पढ़ें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये खरीदें, ठीक है, आपके पास जो है वो आप पढ़ें, क्योंकि सभी
चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी प्रकाशन है वो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी जो है अच्छे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाला अच्छा है आप ये ले लीजिए। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक्स जरूर सॉल्व करें। आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा क्वेश्चन बैंक लिया है, क्योंकि अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ा है, सभी चैप्टर को पढ़ा है, पूरा आपने सिलेबस पढ़ा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को जरूर सॉल्व करें। और एक और मैं लास्ट टिप देना चाहूंगा कि जो कुछ भी आप पढ़ें, जो कुछ भी आप लिखें, उसको सुबह उठकर, सुबह का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो सुबह लगभग आप लोग कितने बजे उठ सकते हैं, चार से छः, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बजे उठ सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन 4 से 6 का जो समय है सुबह, ये बहुत अच्छा समय होता है आपको कुछ भी याद करने के लिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक समझने के लिए ये बहुत अच्छा समय रहता है, क्योंकि इस समय आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। ठीक है, तो आप लोग सुबह उठकर पढ़ाई जरूर करें। आई होप कि आपको मुझे मेरे द्वारा दिए गए ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आ चुके होंगे, और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि हमें लास्ट 30 दिनों में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन बैंक्स पढ़ने हैं, सोशल मीडिया से कम दूरी रखनी है। ठीक है, सॉरी, सोशल मीडिया से दूरी रखना है, उसके बाद में सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है, पूरा आपको सिलेबस करना है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।